क्योंकि हम इस चक्की में पिस रहे हैं, हमें किसी को 14 साल, किसी को 10 साल हो गए हैं। बहुत हम लोगों ने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बहुत सारी हमने बहुत सारा एहतजाज किया है, लेकिन हमारी आवाज़ पता नहीं क्यों गवर्नमेंट के कानों तक अभी तक नहीं पहुंच रही। अब जैसा कि सौम्या सदफ इलेक्शन में खड़ी हुई थी, DDC इलेक्शन में, तो हमने एहतजाज किया था कि अगर वो यहाँ की नेशनल है तो हम क्यों नहीं हैं। उस पर गवर्नमेंट ने एक एक्शन उठाया कि गवर्नमेंट ने उसकी अकाउंटिंग रोक दी गई। मुझे बताएं, गवर्नमेंट तब कहाँ थी जब यहाँ की पाकिस्तान की लड़कियाँ सरपंच बनी, पंच बनी हैं, तब गवर्नमेंट कहाँ सोई थी? और आज हमें मतलब ये फाइनल हो गया है कि गवर्नमेंट हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि आप हमें डिपोर्ट करें, क्योंकि हमारी एम्बेसी आपसे हर महीने हमारी डिमांड करती है। हर महीने वहाँ से एक लेटर निकलता है जो हिंदुस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री को जाता है कि भाई हमारी लड़कियों का आप कोई फैसला करें, या उन्हें एक्सेप्ट करें या उन्हें वापस करें, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट कोई जवाब नहीं दे रही है। अब आप हमें बताएं, हम किस, हमारे बच्चे जो हैं वो किस मतलब गुनाह की सज़ा ले रहे हैं? हम लोगों ने बहुत सज़ाएं भुगत ली, लेकिन हम नहीं चाहते हमारे बच्चे जो है वो इसी की जो है वो सज़ा वो भुगतें। गलती अगर हमसे हुई है, हमने एक कश्मीरी से शादी की है, शादी तो सोनिया गांधी ने भी की है, वो तो यहाँ जो है वो हुकूमत में है, लेकिन हम लोगों को यहाँ की मतलब नेशनलिटी तक नहीं दी जा रही है। हमारा यही एक इल्तिजा है गवर्नमेंट को कि हम लोगों की जो है ना इतनी जो है वो इज्जत अफजाई ना करें, आप हमें वापस ही भेजें।